नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन। मैं हूं आपके साथ शिवानी। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी महागठबंधन से खासे नाराज हैं। मुकेश सहनी से करीब होने के बाद मांझी ने अब महागठबंधन को अल्टीमेटम देते हुए दिसंबर तक का वक्त दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को मांझी ने कहा है कि मुझे विधानसभा के उपचुनाव में धोखा दिया गया। पहले से बातें तय होने के बाद भी मेरे ऊपर फैसला थोपा गया। वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम नाथनगर में सीट मिलकर लड़ते तो वहां भी जीत जाते। मांझी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि इस साल दिसंबर तक अगर महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी तो हम भी सोचेंगे और तीसरा फ्रंट बनाने की तैयारी करेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि दलित मुस्लिम एकता के हम पैरोकार रहे हैं, हमने ओवैसी की पार्टी की जीत पर बधाई दी है। अगर महागठबंधन में चर्चा नहीं हुई तो इस बात पर भी विचार हो सकता है और ओवैसी की पार्टी के साथ आने के सवाल पर मांझी ने ये कहा कि बिहार में दलित मुस्लिम एक होकर सियासत करेगा और कल्याण है, वरना किसी का कल्याण नहीं है। ओवैसी के साथ आने के सवाल पर मांझी ने कहा कि ओवैसी के लोग जाने की साथ आएंगे या नहीं, लेकिन हमने एक कॉल दे दिया है कि दलित मुस्लिम को साथ आकर ही सियासत करनी चाहिए। महागठबंधन से अलग होने की मांझी की घोषणा के साथ ही बिहार में बीजेपी के कई नेताओं का उनसे मिलना जुलना सिलसिला बढ़ चुका है। बीते गुरुवार को बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान ने मांझी से मुलाकात की थी। इसके बाद शुक्रवार को बीजेपी विधायक रामप्रीत पासवान भी उनसे मिलने पहुंचे। हालांकि इस दौरान दोनों के बीच क्या बातें हुई इसको लेकर कुछ खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं तमाम पार्टियां चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा तैयार हो चुकी है। लेकिन महागठबंधन में दरार को लेते हुए जिस तरह से जीतन राम मांझी ने दिसंबर तक अल्टीमेटम दिया है महागठबंधन को, अब देखना है कि इसको लेते हुए अल्टीमेटम को लेते हुए राजद किस तरह से कदम उठाती है। इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। न्यूज़ वन इलेवन के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।